हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एक ऑनियन के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में सल्फर पाया जाता है जो आपकी बालों की जड़ों की स्कैल्प को तेजी से बढ़ा सकती है, आपकी बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को तेजी से बढ़ा सकती है, जिसके कारण आपके बाल 4 गुना तेजी से लंबे घने मजबूत होने लग जाते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको एक इजी सिंपल रेमेडीज बताऊंगी, नुस्खा बताऊंगी, जिसके जरिए आप ओनियन के जरिए अपने बालों की स्कैल्प को तेजी से बढ़ाकर बालों को 10 गुना तेजी से मजबूती दे सकते हैं, घना बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने बालों को हेल्दी, मजबूत और हमेशा के लिए घना रख सकते हैं। और साथ ही साथ अदरक के जरिए भी आप अपने बालों को लंबा घना कर सकते हैं। आपको 1 इंच अदरक लेना है। अदरक के अंदर भी ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल हमेशा काले बने रहते हैं, घने बने रहते हैं, बाल एकदम मजबूत बने रहते हैं और आपके बाल देखने में इतने सुंदर होते हैं, इतने घने होते हैं कि सब देखकर आपके बालों की तारीफ करे बगैर नहीं रह पाता और आपसे इसका राज भी जानने के लिए वो इच्छा रखता है कि आपके बालों की इतनी मजबूती, इतने घनेपन का आखिर क्या राज है। तो आज मैं इस राज को आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको किस तरह से इन दोनों का यूज करना है जिससे आपके बाल तेजी से घने होने लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। सबसे पहले आपको ओनियन के छिलके को उतार लेना होगा। गाइस, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते रहे। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको जो अदरक लेना है उसके छिलके उतारने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमें अदरक का भी ओनली रस ही निकालना है। अगर आप चाहें तो इसका छिलका भी उतार सकते हैं। अब हम एक प्लेट में इस ओनियन को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से आपको ओनियन को कद्दूकस कर लेना होगा और इसके बाद आपको लेना है अदरक। अदरक को भी आप फ्रेंड्स इसी में कद्दूकस कर दीजिएगा। इस तरह से आपको इन दोनों चीज़ों को कद्दूकस कर लेना होगा। अब आपको करना ये है, आपको फ्रेंड्स इसमें से जो ओनियन के मोटे पीसीस हैं उनको अलग कर देना होगा। इसके बाद लेना है आपको एक क्लीन बाउल और इस क्लीन बाउल के ऊपर आपको रखनी है एक चाय छलनी और इस पूरे पेस्ट को आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद आप इसे हल्के हाथों से नीचे को दबाइए चम्मच के जरिए और इसके रस को आप निकाल लीजिएगा। ऐसा करने से फ्रेंड्स इसका रस आसानी से निकल जाएगा। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स ओनियन और अदरक यानी कि जिंजर को अलग अलग करके भी दोनों का रस निकाल सकते हैं। जैसे भी आपको फ्रेंड्स इजी लगता है उस तरीके को आप अपनाइए और इसके पूरे रस को आप निकाल लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से बहुत ही अच्छे से रस निकल चुका है और ये देखने में एकदम से ड्राई हो गया है। अब आपको करना ये है, देखिए इस तरह से आपके पास इसका ये रस बनकर तैयार हो गया है।
इतना रस आपके पास बनकर तैयार हुआ है कि एक गर्ल्स के बालों में ये बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। अब आपको इसमें ऐड करना होगा कोकोनट ऑयल। बालों की जड़ों को मजबूती देने के लिए, घना बनाने के लिए, बालों को लंबे समय तक जवान और घना रखने के लिए आपको फ्रेंड्स इसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड करने होंगे। अगर फ्रेंड्स आप अपने बालों में तेल नहीं लगाते हैं तो फ्रेंड्स जब भी आप इस नुस्खे को बनाएंगे तो इसमें तेल जरूर ऐड कीजिएगा। इसके यूज से आपके बालों की जड़ों में कभी भी तेल की कमी नहीं होगी और आपके बालों में पोषण की कमी भी नहीं होगी। बालों की जड़ें हमेशा मजबूत घनी बनी रहेगी। देखिए गाइस, इस तरह से आपको इस पेस्ट को बनाकर तैयार कर लेना होगा और अब आपको इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है। बालों की जड़ों में लगाने के बाद 15 मिनट तक अपने बालों की जड़ों की मसाज कीजिए और पूरे बालों में लगाकर आप अपने बालों को लगभग 2 से 3 घंटे के लिए बांध लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसे पूरी रात के लिए लगाकर भी सो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके कपड़ों में स्मेल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप इसे सुबह उठने के बाद 2 से 3 घंटे अपने बालों में जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से आपके बाल हमेशा घने मजबूत बने रहेंगे, बालों का टूटना झड़ना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और इतने हेल्दी बाल हो जाएंगे, इतने स्वस्थ बाल हो जाएंगे, देखने में इतने अच्छे लगेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके साथ ये चमत्कार भी आखिर हो सकता है। तो गाइस ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए भी मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।